आप फॉरेन फंडिंग कर रही थी, क्या आप पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त हैं? इन बातों का तो जवाब वो लोग देंगे जिन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं। क्या मजलूम औरतों की मदद करना बैरूनी एजेंडा है? कौन था वो? किसी बड़ी एनजीओ से अपना ताल्लुक जाहिर कर रहा था। सुना है वो यहाँ रिपोर्टर से भी मिला है। मैडम, क्या फॉरेन फंडिंग कर रही थी, क्या आप पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त हैं? क्या बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही हैं? मैडम, आप कौन किस मुमालिक से फंडिंग ले रही हैं? जवाब दें मैडम। सोशल वर्क के आर में किस बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही हैं? मैडम, आपको हमारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इन बातों का तो जवाब वो लोग देंगे जिन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं। मेरा काम तो पूरी कौम के सामने है। क्या मजलूम औरतों की मदद करना बैरूनी एजेंडा है? क्या बेअसर खवातीन को तहफ्फुज देना, क्या ये एक बैरूनी एजेंडा है? क्या बेकसूर खवातीन जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, क्या उनको कानूनी इमदाद देना, क्या ये भी एक एजेंडा है? अगर ये एक एजेंडा है तो ठीक है, मैं बैरूनी एजेंडा के तहत काम कर रही हूँ, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट मुझे ये काम करने से रोक नहीं सकती। क्या आप फॉरेन फंडिंग ले रही थी? कहाँ से आता है आपको इतना पैसा? हमारी फंडिंग और डोनेशन जहाँ से भी आती हैं, इसका सारा रिकॉर्ड मुतलका अदारों के पास है और हमारे पास भी है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कोर्ट के सामने ज़रूर पेश करूँगा। अगर आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले रही तो हुकूमत ने आप पर यह पाबंदी क्यों आई थी? ये तो हमारा भी सवाल है कि उनको क्या मसला है? क्या उनको इस पूरे मुल्क में और कोई मसाइल नज़र नहीं आते NGOs के अलावा? अगर उनको लगता है कि इन हथकंडियों से हम पीछे हट जाएंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। हम और पूरा असर होकर काम करेंगे। अब प्लीज़, ये मेरा ऑफिस है। सिक्योरिटी प्लीज़। शॉट कैसी थी? फैंटास्टिक। आपकी तो हर शॉट ही कमाल होती है। अब तो खुश है ना? किस बात की खुशी? जैसे आप जा रहे थे वैसे ही तो हो रहा है। अब तो आपको खुश होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों लगा कि जो हो रहा है हम चाहते हैं वैसा हो? मजबूरन करना पड़ रहा है ये सब। मजबूरन? क्या मतलब? कुछ समझा नहीं। तुम समझ भी नहीं सकते। दो जमा दो चार वाले लोगों को ये बातें कम ही समझ आती हैं। मेरा ख्याल है आपके इवेंट का टाइम हो रहा है। हो तो रहा है। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। फिर मिलते हैं। थैंक यू। कौन था वो? सही शहर से आया था। वहां किसी बड़ी एनजीओ से अपना ताल्लुक जाहिर कर रहा था। सही सुना है वो यहाँ रिपोर्टर से भी मिला है। गुस्ताखी माफ सही, मुझे तो लगता है रिपोर्टर ने फोन करके उसे यहाँ बुलाया है। चलो ठीक है, देख लूंगा मैं उसे। ठीक है सही, आप भाई बाप हैं। मैं अब चलता हूँ, इजाजत। रुको, अनीस को इस मामले का पता नहीं चलना चाहिए। हुक्म हो गया साईं, आपका हुक्म हो गया। आप तो जानते हैं ड्यूटी की मजबूरी ना हो तो मैं हमेशा आपके हजूर नंगे पांव हाजिर हुआ हूं। साईं अब मुझे इजाजत।
मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ चले गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रहे थे? बोल क्यों नहीं रहे आप कुछ? तुम लोग ना सारा सामान बांध लो, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे हम? कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, बस यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ ना लोगों की नजरों का सामना नहीं कर सकता। हर शख्स मुझ पे सवालों के तीर बरसा रहा है। देखो ना, देखो मैं कितना जख्मी हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही, पानी लेके आओ। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, आप ठीक हैं? तबीयत? क्या हुआ मेरी तबीयत को? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? अब्बा पानी। तुम जिंदा हो? तुमने तो खुदकुशी नहीं कर ली थी? ये तो मर गई थी ना, तो अब यहाँ ये क्या कर रही है? कैसी बातें कर रही है? तो हमारी सारा है। पानी पी आप। ये सारा है? फिर मरा कौन था? वो रिमशा थी। तुम भी मर जाओ, खुदकुशी कर लो। नहीं नहीं, बल्कि हम सब खुदकुशी कर लेते हैं, सब ठीक हो जाए। मुझे लोगों के सवालों का जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, मुझे लोगों के सवालों का जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें आप? क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? नहीं, बेटी कहाँ जा रही है इस वक्त? बाहर तो मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश आने वाली है। आओ आओ बैठो, अभी बात करते हैं। भाई वो मेरा ना वो ड्रेस निकाल दो, अभी फिर मीटिंग पे जाना है। आज जाने दे इसे, क्योंकि ये रुक गई ना बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। हम जानते हैं आप इज्जतदार इंसान हैं, पर हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी इज्जत पे कोई हर्फ आए। मेरी बेटी माँ बनने वाली है, जितना जल्दी हो सके आप अबॉर्शन करवा दें।
कहा था कि उससे शादी करूंगा। जी कहा था, बिल्कुल कहा था, याद है। और ये भी याद है कि वो झूठ हमने आप ही के लिए बोला था। वो बेटी आपकी पेट से थी, किसी को अगर पता चल जाता तो कोई चेहरा देखने आता आपका। ये गलत है। आप बात मानिए हमारी, अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। चलते हैं। से बात करना बहुत जरूरी है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। समझाओ इसे, समझाओ। तो चंद सांसें बाकी रह गई हैं, वो मुझे सुकून से ले लेने दो। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ इसे। इसे देखकर मेरा खून खौलता है, मुझे अपने चेहरे पर लगी कालक दिखाई देने लगती है। ले जाओ इसे। चलो चलो तुम मेरे साथ। मेरी बात सुने। कहती हूँ चलो मेरे साथ हो। चलो चलो। रुक जाओ बेटा।
सुनो, तुम लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं होगा, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। और जिस इंसान ने कोई गलत काम नहीं किया होता, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम बिल्कुल वैसे ही अपना काम जारी रखेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। आज तक इस मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं बना जो हमें जुल्म के खिलाफ या हक की बात करने से रोक सके। इसलिए प्लीज़ तुम लोग अपना मोरल हाई रखो। मगर मैडम, गवर्नमेंट ऐसे बिला वजह एनजीओ पर कैसे पाबंदी लगा सकती है? क्या वो किसी को जवाबदेह नहीं है? मैडम, गवर्नमेंट के हिस्से का काम हम कर रहे हैं। जो काम हुकूमत को करने चाहिए वो हम कर रहे हैं। बजाय इसके हमें अप्रिशिएट किया जाए, हम पे इल्जाम लगाना कहाँ का इंसाफ है? लेकिन सारा, हमें तो किसी की शाबाशी नहीं चाहिए ना। हम ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सही है, ये हमारा फर्ज है। और ये भी याद रखो, हमेशा रुकावटें उन्हीं लोगों के सामने आती हैं जो सही राह पर होते हैं। ठीक है ना? हेलो, क्या मैडम? मैडम क्या हुआ? शाबू यार, एक कप चाय का तो बना। जनाब अभी लाया, बैठे पहले को गपशप तो लगा लें। आजा आजा। सुना है यहाँ कोई बहुत बड़े वजीर साहब आ रहे हैं मखदूमाबाद में? हाँ यार, रात हो रही है। इस बारे में कुछ पता है तो बता। जनाब ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना। मेरी ड्यूटी है चाय पिलाना, वो मैं आपको अभी पिला दूंगा। खबरें इकट्ठी करना तो रिपोर्टर बाबू आपकी नौकरी है ना। ज्यादा तो नहीं, मगर एक बात पक्की है, यहाँ वो सैर करने तो आ नहीं रहे। जरूर कोई बड़ी गेम होने वाली है। कैसी? समझ जाएंगे, बहुत जल्द समझ जाएंगे रिपोर्टर बाबू। बैठे मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। अहम खबर आपको दें, मारूफ शायर और अदीब अशर इब्राहिम कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। और इत्तलात के मुताबिक अशर इब्राहिम एक प्राइवेट कॉलेज की सालाना तकरीब से खिताब कर रहे थे और जैसे ही बाहर निकले, नामालूम अफराद ने उन्हें फायरिंग करके जख्मी कर दिया है और उन्हें जख्मी हालत में इस वक्त हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो खबर यह है कि मारूफ शायर और अदीब अशर इब्राहिम कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक अशर इब्राहिम एक प्राइवेट कॉलेज की सालाना तकरीब से खिताब करके जैसे ही बाहर निकले, नामालूम अफराद ने उन्हें फायर करके जख्मी कर दिया है और उन्हें जख्मी हालत में इस वक्त हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है। अहम खबर आपको दें, मारूफ शायर और अदीब अशर इब्राहिम कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक अशर इब्राहिम एक प्राइवेट कॉलेज की सालाना तकरीब से खिताब करके जैसे ही बाहर निकले, नामालूम अफराद उन्हें फायरिंग करके जख्मी कर दिया है और उन्हें जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आइए आइए, खुश आमदीद। फिर साहब, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पहुँचने में मुझे ज़्यादा ताखीर नहीं हुई। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी हमें इस्लामाबाद वालों की मजबूरियों का अंदाज़ा है। नहीं फिर साहब, मैं यहाँ इस्लामाबाद वाला बनकर नहीं आया, मैं तो आपके दर पर सवाली बनकर आया। देखिए, यहाँ तक तो मैं अपनी मर्जी से आ गया, आगे आपने जो हुक्म करना है हमने तो वही करना है। अरे आइए, बाकी बातें बैठ के करते। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। Thank you.
आपके एनजीओ पर हमला हुआ है, किसी दुश्मनी में आपके एनजीओ पर हमला हुआ है। वो हमारे कॉलेज के फंक्शन में शिरकत फरमा रहे थे, हम इनके साथ सेल्फीज ले रहे थे कि ये वाक्या पेश आ गया। तो फिर बताएं कैसे हैं वो, ठीक है? आप दोनों कुछ कह क्यों नहीं रहे, कैसे हैं वो? मैडम दो गोलियां लगी हैं उन्हें, बहुत जख्मी हालत हम लेके आए उन्हें, उनकी हालत जो है डॉक्टरी बता सकते। मेरे हस्बैंड अशर इब्राहिम ऑपरेशन थिएटर में, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत ज्यादा खून बह चुका है, हमें फौरी तौर पर ब्लड चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी अरेंज करें। आप हमारा ब्लड चेक कर लें, हम अपना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हैं। तो आप मेरा खून ले लें, हमारा सेम ब्लड ग्रुप है। आपको अपडेट करें कि पुलिस सीसीटीवी की मदद से हमलावर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, और मजीद आपको बताएं कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मुबैना तौर पर कोई लड़की थी जिसने नकाब ओढ़ रखा था, मगर क्या वो लड़की इसी कॉलेज की ही कोई स्टूडेंट थी, इस बारे में कुछ कहना अभी कबल अस वक्त है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से हमलावर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मुबैना तौर पर कोई लड़की थी जिसने नकाब ओढ़ रखा था, मगर क्या वो लड़की इसी कॉलेज की ही कोई। तुमने तो मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया बेटा, जो मांगोगी मिलेगी। अच्छा जी, मैं भी तो हमेशा टॉप करती हूँ, मुझे तो कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया आपने। तुम्हें शाबाश तो देता हूँ ना। नहीं नहीं, तू तो मेरी जान है। अच्छा जी, ये जान है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे नहीं, तू मेरी शान है। बस बस ठीक है, मैं तो आपसे बात ही नहीं करूंगी, आप हमेशा इसकी तारीफ करते हैं, मेरी तो कोई तारीफ करता ही नहीं है इस घर में। देखो खामखा नाराज हो के चली गई। ये मिठाई तो ले। अरे ये तो ले लूंगा उस वक्त। आप छोड़ें ये सब कुछ, आप चाय पीजिए। जी नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरी बेटी मुझसे नाराज हो और मैं चाय पीऊं, खाऊं पीऊं, वाह 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 वाह, मिठाई भी खाऊं, ये कैसे हो सकता है? जब तक मेरी बेटी नाराज है मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भला आपसे नाराज हो सकती हूँ क्या? आप लोगों के तो ड्रामे खत्म ही नहीं होते। जी, इन ड्रामों की हदायतकारा आप ही। इधर लाओ बेटा मिठाई, ये लो। अच्छा जी, इसे मिठाई खिला रहे हैं, मुझे भी तो खिलाएं। अरे तुम भी लो, क्यों भूखी मर रही हो। ये ले। चल तू सारी खा ले, पकड़ ले। मुझे भी तो बताएं कौन है वो जिससे मिलने के लिए आप हर वक्त इतनी बेचैन रहती हैं, और जब मिलने का वक्त आता है तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तुम क्या करोगी जान की मेरी जान? पता नहीं आप ही,
मुझे लगता है आप किसी गलत ट्रैक पर चल रही हैं। अपना कोई नुकसान ना कर बैठिएगा। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? बदकिस्मती के साथ जो खुद को बहुत समझदार समझता है ना, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही खाता है। फिर तो तुम्हें बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि तुम खुद को बहुत ही समझदार समझती हो। बात का ख्याल रखिएगा। अबू ने सारी जिंदगी हम पर बहुत भरोसा किया, अपनी हिम्मत से बढ़कर हमें पढ़ाया। अगर उनका भरोसा टूटा तो वो खुद भी टूट जाएंगे। तुम क्या मुझे हर वक्त लेक्चर देती रहती हो? मैं क्या बच्ची हूँ? पढ़ी लिखी हूँ, अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा मैं जा रही हूँ, और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कोशिश करेगा, देर ना ही हो तो अच्छा। तुम्हें क्या पता मेरी जान, वहां जाकर वक्त का होश ही नहीं रहता। वक्त ही तो जिंदगी है आपकी। जहां वक्त का होश ना रहे, हाँ जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुमने फलसफा पढ़ा है, लिटरेचर नहीं पढ़ा, इसीलिए तुम जिंदगी की खूबसूरती को महसूस नहीं कर सकती, बस उलझा सकती हो। खैर इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, और मैं तुमसे उलझ कर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। बाय बाय। सर कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मेरा कसूर क्या है? आप प्लीज मुझे ये तो बता दें। प्लीज मेरा फोन सुन, मैं मर जाऊंगी। आगाह करें कि अशर इब्राहिम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनकी हालत शदीद खतरे में है। डॉक्टर सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए। इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी इदरीस बताइएगा, डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस हवाले से? अशर इब्राहिम अभी भी जिना अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत की कश्मकश में उतरा है। डॉक्टर तो उनकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से इस वक्त उनकी जिंदगी शदीद खतरा से दो चार है। अशर इब्राहिम की अहलिया मशहूर सोशल वर्कर मैडम माहिर भी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। माहिर इतला के मुताबिक 100 मीटर से किए गए 2 फायर उनके कंधे और पेट में लगे हैं। उन पर हमले के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया है पुलिस अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। अशर इब्राहिम औरतों के हवाले से अपने कुछ बयान की वजह से पिछले कुछ हफ्तों से मीडिया पर छाए हुए थे। क्या उन पर होने वाले इस हमले के पीछे वजह भी उनके यही बयान आते हैं? पुलिस इस हवाले से भी तफ्तीश कर रही है। पुलिस इस हवाले से भी तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया इदरीस, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि अशर इब्राहिम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनकी हालत शदीद खतरे में है। डॉक्टर सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं उनकी। Thank you.
साहब दुआ करें भैया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, मेरे बच्चे, दुआ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन क्या हाल है अशर का? इतनी देर क्यों हो रही है? कुछ डॉक्टर्स के साथ जाके पता तो करो ना। मैंने बहुत दफा सवाल किए हैं उनसे, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। भैया अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा अशर को बेटा, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम बस अपना ख्याल रखो बेटा, तुम्हें हिम्मत करनी है ना। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पास हॉस्पिटल आ जाती हूँ। नहीं नहीं, आप आके क्या कर लेंगी, आप वहीं पे रहें, मरियम का ख्याल रखें। अच्छा उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ मुझे तो उसकी भी बहुत फिक्र हो रही है। बेटा आप मरियम की बिल्कुल फिक्र ना करो, उसको कुछ नहीं पता, वो अपने कमरे में अरूसा के साथ है। बस तुम अपना ख्याल रखो, और बेटा एक बात याद रखना, इस वक्त तुमने बहुत हिम्मत से काम किया। जी ठीक है। कैसी तबीयत है? तो तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बाइट सारे मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल जल्दी कर। मुझे नहीं होना तैयार, ना ही मुझे कोई शादी करनी है। अब इन बातों का वक्त नहीं है ज्यादा, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं कुछ हो सकता? क्या मेरी खुशियों की कोई अहमियत नहीं किसी की नजर में? बाबा साईं को अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम चाचा सिंह को जानती नहीं हो। अरे पगली, उनके नजदीक हम सब की जानों से ज्यादा अपनी जुबान की अहमियत, वो अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। जब मैं ही इनकार कर दूंगी तो कैसे करेंगे मेरी शादी? तो तुम्हें किसने कहा कि शादी करने के लिए लड़की की हाँ की जरूरत होती है? फोटो में बैठी हुई तवायफों और इन बड़ी बड़ी हवेलियों में पैदा होने वाली लड़कियों का मुकद्दर एक जैसा होता है। उनकी भी जब अच्छी बोली लगती है ना तो उनको बेच दिया जाता है, और इन बड़ी बड़ी हवेलियों में पैदा होने वाली लड़कियों को कभी जायदाद और कभी पग ऊंची करने की खातिर रुखसत कर दिया जाता है, ना उम्र देखी जाती है न शक्लो सूरत। तुम तो खुशकिस्मत हो, चचे सही ने जो तुम्हारे लिए चुना है ना, पढ़ा लिखा भी है और खूबसूरत। मेरी बात मान, अल्लाह साई की मर्जी समझ के ना कबूल कर लो, वरना सो जूते भी खाने पड़ेंगे और शादी भी यही होगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने साथ किसी को जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। चलो तुम्हारी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मेनजी, मैंने तुझे इसको लाने के लिए कहा था, तू अंदर आके भूल ही गई कि किस काम से आई थी। अम्मा सर मैं जायदा, चल वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना मैं शादी नहीं करूंगी, फिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने भी तुझे कुछ कहा था, वो क्यों भूल गई है? देख तेरी शादी वहीं होगी जहां तेरे बाबा साहिब तय करेंगे, ज्यादा तमाशा ना कर और चल चुपचाप। लेकिन अम्मा से बस न बना कोई हम नवा, न सुने कोई ना, कोई हम नवा ना सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ ना समझे, भेजू क्या संदेश, भेजू क्या संदेश।